अंतिम वाला साला रहा, ये खतरनाक कबूतर बहुत ताकतवर, देखो क्या कर रहे है वो ये देखो ये साला रहा है, उड़ने वाला बहुत उड़ता है। तकरीबन दो महीने पहले ये एक रात बाद निकला, थोड़ा गेरा बाद छोड़ा, पूरा रात था, सुबह आया कबूतर। প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, দেশ এবং বিদেশ থেকে যে এই মুহূর্তে আমার এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সকলকে ধন্যবাদ। আজ আমরা চলে এসেছি আমার প্রিয় মামা আব্দুল কাদির মামা, উনি দীর্ঘদিন কুয়েত ছিল, সে কবুতরগুলো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এবং অনেক পাকিস্তানি কবুতর আছে সেই কবুতরগুলো শখ করাবো আপনাদেরকে। তো মামার কাছে চলে যাবো, তার আগে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা মামার কাছে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ মামা। হ্যাঁ আপনার কাছে তো আমরা আসলাম, অনেক কবুতর দেখতে পাচ্ছি। জি, তো আপনার কবুতর পালাটা আসলে কিভাবে শুরু হয়েছিল? কবুতর তো বহুত দিন পালে সে মে শখ থা, তকরিবান 35-40 সাল পালে কা, মগর মে জব 97 में मैं कुवैत गया, जाके मैं पहले उधर नौकरी किया, नौकरी करके बाद में मैं सेटल हुआ वो मंतका राय में। मंतका राय में उधर हमारा साथ साथ काम करने वाला पाकिस्तानी दो भाई था, वो राय मंतका और उसका बाजू में आल उस्मान मोर्जी, तो उसका बाजू में ही हमारा कंपनी था, वो कंपनी का ऊपर ही हम लोग कबूतर पाला था। तकरीबन तो हमारा उधर 200 कबूतर था उस टाइम जब पाला। उस टाइम पहले पहले पाकिस्तानी ये टेडी कबूतर आया था, कमागार था पुराना, मगर टेडी कबूतर पहले 2013 साल में पहले आया। उस टाइम से कबूतर में बहुत बड़ा बड़ा सेट का पता रहता, जैसा हमारा तकरीबन 20-25 आदमी है हमारा दोस्त कबूतर पालने वाला, बड़ा बड़ा सेट है उन लोग। उन लोगों का पाकिस्तान में एक एक आदमी का हज़ार एकड़ ज़मीन है, इतना बड़ा अमीर आदमी है सारा। उधर वो लोग चाकरी नौकरी भी नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं, अब बिजनेस वाला। तो वो उसका एक कबूतर एक शेड का एक कबूतर वाला भाई के पास 3-4 आदमी काम करने वाला था, उसको भी सैलरी बांग्लादेश का 80-90 हज़ार रुपया था पाकिस्तान का। तो वो कितना अमीर है, सारा बिजनेस वाला आदमी था वो, जितना बड़ा बड़ा शेड था। शेड बोलता है जे जो नौकरी जो मालिक होता है उसको शेठ बोलता है, कभी कभी चौधरी भी बोलता है। वो बहुत अमीर आदमी वो लोग, वो लोगों का बाद हिसाब अलग। उधर कबूतर देखने के लिए जाता है तो उसके लिए खाना पीना अगर इंतजाम करता है, वो बहुत बड़ा बात है भाई। हमारे इधर कोई मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर आने के बाद उसको भी इतना अच्छे से खाना नहीं खिलाता, इतना अच्छा सा खाना नहीं खिलाता है, 8-10 किस्म का फ्रूट ही देता है। तो ऐसा हमें बहुत कबूतर पास के पास था, कबूतर उड़ाया, कबूतर देखभाल किया। मगर जब हमें एक दफ़ा आया, मैं तो 23 साल उधर था, 23 साल में मैं तो 17 बार सफर में मुल्क आया। तो ऐसा पहले से आया वो, तो उस टाइम कबूतर साथ 2009 का बाद कोई चीज़ नहीं लेके आ देता था। उस टाइम मैं अंडा लेके आया था लगेज का अंदर, वो जो जूट है जूट का साथ 10 अंडा लेके आया, लेके हमारा एक मामा का दिया, वो कबूतर किया। बाद में मैं 13 साल में कबूतर का अंडा लेके अंडा बच्चा किया, ऐसा ऐसा करके थोड़ा कबूतर किया। बाद में मैं एक दोस्त था उसके पास, लायक भाई का साथ मिलके, मैं वो बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ मिलके थोड़ा पैसा देता, उस टाइम कॉस्ट नहीं था जे इंपोर्ट में। उस टाइम उससे सेफ यार कबूतर में मुल्लुक लेके आया, आके आराम आस्ते आस्ते कबूतर थोड़ा ज़्यादा किया। अभी हमारे पास तकरीबन 32 प्यार कबूतर है, पाकिस्तानी कबूतर 32 में हर किस्म का है, अलमारी वाला, स्कूल वाला, क्या बोलते हैं उसका, काशूरी है, डाबाला है, टेडी है, गाँव वाले तो लेके आए इधर, उसको नाम याद नहीं आ रहा है मेरा, वो दिखाएगा मैं। गोल्डन भी है,
तो ऐसा कबूतर थोड़ा अभी है हमारे पास, वो बच्चा बहुत आदमी को दिया मैं, पहले पहले दो तीन चार दफ़ा जब 20-25 बच्चा आदमी को दिया था। मच्छर में काटता है, मच्छर का बाजार से भाई हमारा हर महीने में तकरीबन 30-40 बच्चा मर जाता है बस मच्छर का वजह से। कितना सारा हमें उतना धूप भी देता है, सॉरी धूप नहीं, धूप का साथ वो आग आग का साथ धूप लगाता है, ग्लोब लगाता है, नेटफॉल लगाता है, वो स्प्रे भी करता है, ग्लोब भी देता है, फिर भी मच्छर किधर से आता है यार वो पता नहीं चल रहा है। मैं दो बजे भी कबूतर का ऊपर शेड का ऊपर आता है मैं तो जो देखता है, फिर हमारा बच्चा ये अभी इस टाइम भी थोड़ा बच्चा निकला, बहुत अच्छा अच्छा बच्चा निकला, तकरीबन 30 पेयर बच्चा निकला, बहुत अच्छा है। ऐसा अभी मैं कबूतर तो कभी कबूतर बजने के मैं इमने रिजल्ट नहीं इमने उड़ाया, बहुत दो साल पहले से उड़ाया ये इसका बच्चा उड़ाया मैं, इसका देखा था मैं, इसका बच्चा एक दिन बाद भी उतरा, हर रोज़ वो पूरा पेयर क्यों किधर गया, सबसे पुराना पेयर इनपुट वाला पेयर किधर गया, ये वाला ये देखो ये जो कबूतर है ये मैं लेके आया पहले, इसका उम्र तकरीबन 8 साल हो गया। ये साल दिसंबर महीने में मेरा 16 कबूतर सारा उड़ने वाला कबूतर चला गया, 2 साल पुराना कबूतर उड़ता रहे उड़ने वाला। अब ये 7 दिसंबर निर्वाचन चुनौती का दिन, उस दिन मेरा गया 9 कबूतर उड़ाया, 8 कबूतर लेके गया बाद में, एक उतरा। बहुत पुराना कबूतर ये, बहुत पुराना, पहले जब 2013 साल में कुवैत में आया है कबूतर, 13 नहीं ये 15 साल में आया, ये अली कुवैत में खाई असबिया में था उसका सेट कबूतर, वो लेके आया, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरा, संभव ऐसा लगता है रोमिश भाई का प्यार था, रोमिश भाई वो पास फ्लोर का ऊपर उसका सेट है, कामागार लेके आओ, कामागार मेरा बहुत अच्छा प्यारा कामागार था, वो अभी बीमार है, वो बहुत दिन से बीमार पड़ा है, वो इससे बहुत अच्छा, उसका बच्चा ज्यादा उड़ने वाला था। ठीक है, कामागार है अंदर दिखाएगा, ये देखिए बांध लिया से, इसका जोड़ हड्डी बिल्कुल बंद है, कोई एक जरा भी खुला नहीं है। अभी इंशाल्लाह में कबूतर उड़ा रहा है, ये नया बच्चा सब रेडी कर रहा है, ये सुंदरबन में टूर्नामेंट में एंट्री किया, देखेगा इंशाल्लाह क्या हो, कोई आपका दुआ होगा तो कुछ होगा इंशाल्लाह। अलमारी वाला का बच्चा में बहुत अच्छा से 4 प्यार बच्चा बनाया, वो ही उड़ाएगा, टेडी उड़ाएगा और कमागार उड़ाएगा, माशाल्लाह। ये नया नया अंडा निकला है, ये भी उसका जो देखा है पहले उसका बच्चा है, चुप ये आग आग प्यार आग आग देखो अभी पूरा पाक पूरा सादा नहीं हुआ, थोड़ा बाद में हो जाएगा, ये बंद जैसे ये पंख देखो, ये देखो नौ पाक हुआ इसका, नौ पायर हुआ, माशाल्लाह। देखिए पाक नौ पायर, ये नया नंबर आया, ये नया, ये नया अंडा दिया बच्चा, दो एक हफ्ता में बच्चा निकल जाएगा, माशाल्लाह। ये कौन से कबूतर? ये रामपुरी चंदाकिनी है, देखिए चंदाकिनी, इसका देखिए इसका इसके चौट है, चौट का बहुत सादा थोड़ा सा धीरे 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 धीरा कलर निकलता है, वो खतरनाक कबूतर है, बहुत डेंजरस कबूतर है, माशाल्लाह। नौर है ये मादी, अंडा पे है, ये सलारा है, सलारा कबूतर, ये सलारा है, से शौक कीजिए आग शौक कीजिए, माशाल्लाह।
इसका दम देखो भाई, बॉन्डलेस का बॉन्ड दम का ये है। जोड़ हड्डी, जोड़ हड्डी बिल्कुल बॉन्ड है। ये पायर देखो माशाल्लाह, पंजा, पंजा देखो यार, ये कसूरी है, कसूरी कबूतर। इसका आग देखो जरा माशाल्लाह, ये आग देखो, आंख ये देखो, पंजा, पंजा देखो यार, ये फेदे पैर देखो, पंखा देखो, देख कितना खूबसूरत पंखा है। एक आए अंडा बच्चा करने के लिए पंखा काटा है इसका ऊपर देखो। इसके जोड़ा नहीं नहीं, इसका साथ गोल्डन है, उसका उसका कौन सा मगर कबूतर ये वाला सलारा और कांटू से कुरास कुरास किया। कांटू वाला सलारा, कांटू वाला सलारा, ये खतरनाक कबूतर, बहुत ताकत है। देखो क्या कर रहे हो, पकड़ कितने कैसे कर रहे, देखो देखो क्या ताकत है इसका, बाजू में कितना ताकत है साला। ये डीप बच्चा है इसका बॉक्स में, ये जोड़ हांडी बिल्कुल बंद है, कोई खुला नहीं है। इसका इसका टैंक देखो, टैंक देखो कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। माशाल्लाह ये देखो, ये एक ये आंख देखो, इसका आंख थोड़ा गुलाबी है माशाल्लाह। ये भी कांटू वाला और सलारा का साथ एक पूरा से, ये देखो ये सलारा है, उड़ने वाला बहुत उड़ता है। तकरीबन दो महीने पहले ये एक रात बाद निकला, थोड़ा गिरा बाद थोड़ा पूरा रात था, सुबह आया कबूतर। इसके लिए मेरे बहुत दुख आया, बाद में सुबह देखा गिरा बाद उतरा। ये बहुत अच्छा कबूतर है, सलारा है, हमारा घर का बच्चा है, इसका बाप। पांग देखो इसका, इसका पांग देखो, इधर पांग देखो माशाल्लाह। ये बंद दम, बंद दम है ये, जोड़ हड्डी बिल्कुल बंद है। इसका पांजा देखो माशाल्लाह, सलारा। ये आंग देखो इसका माशाल्लाह, ये बंद बंद दम का बिल्कुल दम दम बंद है। इसका पंख देखो कितना खूबसूरत पंख है, मगर एक पंख का काटा है, वो डीम बच्चा करने वाला है ना, इसलिए ये भी उड़ाया अभी, बांस का वजह से नहीं उड़ा निकलता है, नहीं उड़ाता है नहीं माशाल्लाह। ये की कबूतर है, ये भी कांटे वाला, कांटे वाला माशाल्लाह है साला, बहुत बहुत कांटे वाला, बहुत तान करने वाला, कांटे वाला ज्यादा है हमारे पास, कांटे वाला सलारा ज्यादा है माशाल्लाह। ये फीमेल, ये है फीमेल है ये, इसका हड्डी थोड़ा सा खुला है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोल के रमजान में क्या माशाल्लाह, ये थोड़ा जोड़ हड्डी का थोड़ा सा खुला है। ये कबूतर की कबूतर है मामा, ये सलारा बहुत अच्छा कबूतर है, ये भी उड़ता है बहुत। अपना सलारा कबूतर चोक गुलो किंतु माशाल्लाह अनेक सुंदर, आंख देखो, आंख देखो यार, आंख शॉक करो इसका, इधर भी आंख देखो माशाल्लाह। इसका पंख देखो, ये नॉर्थ कबूतर, ये नॉर्थ नॉर्थ कबूतर है, ये देखो बंद बंद दम है माशाल्लाह। ये पंख देखो बहुत ताकत वाला कबूतर है, ये भी उड़ाता है, कल उड़ाया मैं, कल 7 घंटा उड़ाए, ये अंडा है इसका मुंह में,
बांस के वजह से कबूतर सारा उड़ाना बंद कर दिया। ये क्या कबूतर है मामा? ये जॉनसिरा टेडी है। माशाल्लाह आंख देखो। ये पंखा देखो, ये भी बहुत उड़ान वाला कबूतर है। ये बॉन देखो, ये बॉन दोम का है इसका। माशाल्लाह पैर देखो कितना खूबसूरत पैर है। जोड़ हड्डी का बिल्कुल बंद है, जरा एक सूती भी नहीं खुला नहीं है। माशाल्लाह उधर रहे। ये भी एक कांटे वाला कबूतर। ये मादी है, फीमेल है। इसका आंख थोड़ा सा गुलाबी है। माशाल्लाह हमारा कांटे वाला मादी जितना है थोड़ा गुलाबी है और नॉर्थ सारा सादा है। माशाल्लाह देखो हल्का सा रिंग है, वो आस्ते आस्ते गुलाबी हो जाएगा। इसका उम्र जब एक दो सालों का तो गुलाबी हो जाएगा। ये डीम बच्चा करता है। ये भी बॉन्द दोम है। इसका पंख देखो कितना, ये बहुत भाग के उड़ता है। माशाल्लाह ये भी उड़ान किया हुआ है। ये जब तीन चार पाँच था उस टाइम उड़ाया मैं पिछले साल में। ये देखिए एक कांटे वाला एक बहुत खूबसूरत है। इसका उम्र थोड़ा सा ज़्यादा है, दो साल हुआ। मादी का देखो सारा आंख उसका गुलाबी होता है। एक बहुत खूबसूरत कबूतर है, बहुत खूबसूरत। टेडी में जितना टेडी में देखा ये इसका खूबसूरत, इसका तरफ खूबसूरत मेरा नज़र में एक भी नहीं आया। माशाल्लाह ये है अपना सलारा है। सलारा कांटू से इसका क्रॉस है। ये आंग पांग देखो इसका। ये बॉन दोम का है। इसका पैर देखो माशाल्लाह। इसका थोड़ा कभी कभी बाजी निकलता है। देखो कितना जरा सा भी खुला नहीं है हड्डी, ये जोड़ हड्डी बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत, बहुत तेज आ रहा है इसका, बहुत तेज है। ये भी सलारा है। ये असली सलारा है। ये आँख अभी क्लियर नहीं, बच्चा है इसका, पहला बच्चा निकला इसका। दोम देखो बॉन दोम का है। माशाल्लाह इसको मैं 7 घंटा उड़ाया। माशाल्लाह अभी क्या करो, बास का वजह से हमारा नसीब हमारा अच्छा नहीं है। इंशाल्लाह ट्राई करते हैं अगले साल, इंशाल्लाह हमारा सब सही हो जाएगा। देखिए स्कूल वाला है। माशाल्लाह स्कूल आ रहा है। देखो इसका आग देखो, बहुत पावर वाला कबूतर है, बहुत पावर वाला है यार। हल्का लाल रिंग है इसका। माशाल्लाह बहुत ताकत वाला कबूतर है। ये पंख देखो, ये बड़ा है, बहुत पुराना कबूतर है। पकड़ना मुश्किल है। ये टैंक देखो माशाल्लाह, जोड़ हड्डी बिल्कुल बंद है। एक कांटी वाला देखो, भाई खूबसूरत कबूतर देखो। ये आंखें तो धरे रखें, काम करता है बहुत यार। माशाल्लाह ओ कांटी वाला जितना मादी है, मादी बात सारा गुले बिया मार, जितना मार नौरे सारा सो आंख उसको सादा है सब तक। माशाल्लाह ये भी कांटे वाला है। देखो कितना खूबसूरत है इसका आंख देखो इसका। अभी गुलाबी निकल रहा है थोड़ा। माशाल्लाह पंख कितना देखो, खूबसूरत पंख है इसका। तो पाक काटा से सबगुलो सब पाक कर दो एक बाबा। जोड़ हड्डी बिल्कुल बंद है इसके पैर। इसका पैर देखो यार, पैर देखो। माशाल्लाह अभी थोड़ा एक मिनट, स्कूल वाला कबूतर
ये देखो यार एक चाबी वाला चीना, चाबी वाला चीना। इसका इसका मादी अंडा पे है, माशाल्लाह। इसका बच्चा भी है, तीन चार प्यार बच्चा है हमारे पास, माशाल्लाह। इसको बांध देखो, बांध दम का है। इसका पंख देखो, माशाल्लाह। जोड़ हड्डी बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद है यार। 35 एक एक मादी है, ये बच्चा है, अंडा भी है। हाँ देखो इसका बहुत खूबसूरत है। ये भी इनपुट वाला कबूतर है, हमारा एक दोस्त लेके आया, इसका बाप माँ उससे बच्चा लेके आया मेरा, माशाल्लाह। ओके एक एक्सपेंसिव एक हमारा बहुत अच्छा प्यारा है, अलमारी वाला, अलमारी वाला हल्का लाल रिंग है इसमें, ये अलमारी वाला है। इसका आंख देखो यार, माशाल्लाह, हल्का सा लाल रिंग है इसमें। इसके पंख देखो, पंखा देखो यार, ये डीम बच्चा कौन है इसके, माशाल्लाह। इसका पैर देखो, जोड़ हड्डी बिल्कुल बंद है, माशाल्लाह। इसका मादी अंडा पे है। তো মামা আমাদের দর্শকদের জন্য অনেক কবুতর দেখালেন এবং অনেক কথা বললেন, কুয়েটের অনেক ঘটনা আমরা জানলাম, তো আরও কিছু কথা আমাদেরকে একটু শেষ অংশে একটু বলেন। আসলে আসলি বাত কি হয়, আমরা এই বাংলাদেশ কা হর কবুতর বাদ ভাই ভাই লোক তোমার নারাজ নেই অনেক আয় সব জিয়াদা আদমি যেতনা টুর্নামেন্ট রেজাল্ট করে দেখা মে উসকো बहुत कुछ खाना खिलाता है, बहुत कुछ सुनते ही मेरा इनमें का दुख आता है। ये कैसा बात है, नॉर्मल कबूतर उड़ाओ, नॉर्मल खाना खा के एक बार खाना ना खाए तो उड़ाओ, वो ठंडी में बहुत जाल करता है, गर्मी में करता है, मगर मेरा कबूतर दो ढाई साल में मेरा गर्मी में 6-7 घंटा हर कबूतर उड़ता है, हर जो कोई कभी छोड़ेगा 6-7 घंटा उड़ता है। ठंडी मौसम में आदमी लोग तो उड़ाता है 12 घंटा 11 घंटा, वो कोई बात ही नहीं, ठंडी मौसम में कोई भी कबूतर हो सकते। मैं इंशाल्लाह ये गर्मी में मैं कोई टूर्नामेंट होगा, इंशाल्लाह टूर्नामेंट में मैं इंशाल्लाह कोशिश करेगा, आप लोगों का दुआ दुआ करो, मैं गर्मी में कुछ ना कुछ करेगा। आपका दुआ अगर होगा मेरा साथ, नाराज़ नहीं होने का भाई, कोई ठंडी में कोई भी उड़ा सकते, मगर गर्मी में कबूतर उड़ाना बहुत बड़ा बात है। गर्मी में मेरा कबूतर जब 10-11 बजे सोता था, रात को रात 8 बजे तक 8 बजे उठता था मेरा कबूतर। ऐसा हुआ को बहुत दिन हुआ। हमारा आजू बाजू वाला आदमी जितना भाई है, हमारा एक रिश्तेदार है रबीउल है और आसिफ है, वो लोग देखा, वो लोग मेरे सोचा कबूतर गया के गया, मगर वो बोलते तुम्हारा कबूतर ये 8 बजे निकला, मैं देखा रात को उठता है, रात को मैं तो शाम को मगरिब का नमाज पढ़ के बाहर चला जाता है, और दिन भर कबूतर के पास रहता है, दिन भर हमारा ड्यूटी है कबूतर। मेरा इतना प्यारा है, कितना भी दुख है, कितना भी प्रॉब्लम है, इसके पास आता है तो सारा दुख खत्म हो जाता है। ये बड़ा बात है, दुनिया में कोई तकलीफ होता है किसी को तो कोई एक कबूतर है ना, कोई भी चिड़िया कोई भी चीज़ के पास तुम मोहब्बत करो तो मोहब्बत में क्या होगा, तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा, परेशानी जाएगा, टेंशन जाएगा, रिश्तों कभी भी नहीं होगा। मेरा इतना परेशानी है कबूतर, रात 2 बजे तक कभी भी टेंशन होता है, रात 2 बजे आता है लौट में आके बादशाह का कबूतर के पास बैठता है, 2-4 प्यार देखता है, देखने बार दिल खुश हो जाता है, बस सारा टेंशन खत्म हो जाता है। यही बात है, आज कुछ बात नहीं है भाई, अगर मेरा कोई गलती हो जाए वीडियो में कोई बात से मैं नाम माफ़ कर देने का यार। तो अपना नंबर ठिकाना एक बोले दें। हमार मेरा असली मकान है कौन चीज बनी है, आमदीर पुकुर मकान में, ससुराल का बाजू में घर मकान बनाया, इधर राजमहल बड़ो मस्जिद के पास मुल्ला बाड़ी, मोहद्दीन मुल्ला मेरा संबंधी है, उसका बाजू में मेरा घर है। अभी तक नंबर एक बोले, हमारा मेरा नंबर है 0171 449 29
26। इसमें ईमो है, व्हाट्सअप में ईमो है, हमारा आदि लोकल है, बहुत पुराना नंबर है। मैं ये नंबर अभी तक 17-18 साल से सिम हमारा पास है। जब बाहर जाता है बुल्लू का के भी यही सिम से बात करते हैं। मैं अल्लाह हाफिज, कोई भी दुख नहीं लेने का मेरा बातों से भाई। आप लोग बड़ा बड़ा कबूतर बाजे, आपका बात करने का हमारा कोई हक नहीं बनता है।